जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगर किसी भी ट्रेन का वेटिंग टिकट है तो उसको कंफर्म कैसे करेंगे और कंफर्म करने के क्या क्या तरीके होते हैं, रेलवे नियमों के अनुसार आप कैसे कंफर्म कर सकते हो और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आप जिस ट्रेन में टिकट बुक करने जा रहे हैं वो कन्फर्म होगा कि नहीं होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों ये मेरे साथ भी कभी ना कभी हुआ है, आपके साथ भी होता रहा होगा कि जब आप किसी ट्रेन का टिकट बुक करने जाते हो और वहाँ पर जब वेटिंग दिखाता है तो सबसे बड़ा सवाल मन में आता है कि ये टिकट कन्फर्म होगा कि नहीं होगा। और अभी हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे इंस्टाग्राम पर बात की और उन्होंने अपने स्टेटस बताया कि मेरा वेटिंग इतना चल रहा है और उनका टिकट किसी ब्रोकर ने बुक किया था। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, उस ब्रोकर ने एक महीने पहले टिकट बुक किया था, आज भी उनका वेटिंग स्टेटस वही का वही है। और अगर वो ब्रोकर थोड़ा 50 किलोमीटर आगे से टिकट बुक करता तो शायद उनको कन्फर्म सीट मिल जाती। लेकिन जो लोग ऐसे टिकट बुक करते हैं जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, उनको जो कमीशन लेना होता है, एक्स्ट्रा कमीशन लेना होता है, उससे मतलब होता है। आपको टिकट वेटिंग में मिला, आपका टिकट कंफर्म हो ना हो, उससे कोई लेना देना उन लोगों को नहीं होता है। दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ, मेरे उन सब्सक्राइबर के साथ उस ब्रोकर ने लगभग हर पैसेंजर पर 80 रुपये एक्स्ट्रा भी लिए और साथ में अगर देखा जाए तो एक गलत टाइप का टिकट बुक करके दे दिया जो उनके लिए एक सरदर्द बन चुका है। फिलहाल उन्होंने आज ही मुझसे डिस्कस किया और मैंने उनको ये बता दिया कि कैसे उनका टिकट कंफर्म हो सकता है। अगर आप भी ऐसे कुछ सवाल रखते हैं जिनके बारे में आप कुछ जानकारी चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों अगर आप किसी भी ट्रेन का वेटिंग टिकट बुक करने जा रहे हैं तो कोशिश करा करिए कि सबसे पहले आप GNWL यानी कि जर्नल वेटिंग लिस्ट वाला टिकट बुक करिए। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आज तक जितने भी जर्नल वेटिंग लिस्ट वाले टिकट मैंने बुक किए हैं वो थोड़ा जल्दी कंफर्म हुए अगर कंपेयर किया जाए RLWL वेटिंग PQWL वेटिंग के कंपैरिजन में। सबसे ज़्यादा कन्फर्म GNWL वाले वेटिंग वाले टिकट्स होते हैं। अगर आप सही से टिकट बुक करते हैं, जैसे कि जो लोग सीनियर सिटीज़न हैं उनका टिकट अलग बुक कर दीजिए, उनके लिए अलग PNR बना दीजिए, और जो लोग सीनियर सिटीज़न कोटा वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं उनके लिए अगर आप अलग से टिकट बुक करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात ये होगी कि जिनका टिकट सीनियर सिटीज़न कोटा वाला था उन लोगों का टिकट कन्फर्म हो जाएगा भले ही कितना भी वेटिंग हो। और अगर आपका टिकट ऑनलाइन वाला नहीं विंडो वाला था जो रिजर्वेशन काउंटर से लिया हुआ होता है तो आप उनके साथ बड़ी आसानी से यात्रा भी कर सकते हैं। कुछ लोग ये गलती करते हैं सीनियर सिटीज़न का और खुद का, जो लोग सीनियर सिटीज़न वाले स्लैब में नहीं आते हैं उनका भी टिकट एक ही में बुक कर देते हैं सेम PNR में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सीनियर सिटीज़न कोटा के तहत जो व्यक्ति ने अपना टिकट लिया भी था उनका भी कन्फर्म नहीं हो पाता है। ये खैर मैंने बीते कुछ महीनों से मैं ये थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल दोस्तों अगर आप किसी भी ट्रेन का वेटिंग टिकट लेने जा रहे हैं, अगर आपको RLWL या फिर PQWL वाला टिकट मिल रहा है तो ट्रेन जहाँ से चल रही है एक बार वहाँ से ज़रूर देख लीजिए, हो सकता है वहाँ से ट्रेन खाली हो। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ये छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं और ये देखते नहीं हैं कि ट्रेन जहाँ से चल रही है वहाँ से ट्रेन खाली थी या नहीं, और वेटिंग का टिकट लेकर इंतज़ार करते हैं कि शायद वो टिकट कभी कंफर्म हो जाए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ट्रेन जहाँ से चल रही है वहाँ से तो मैं चढ़ नहीं सकता या फिर मैं जाके वहाँ से ट्रेन तो पकड़ नहीं सकता। तो इसके लिए भी रेलवे ने एक सिस्टम बना के रखा है कि आप जिस स्टेशन से यात्रा करने वाले हैं उस स्टेशन को बोर्डिंग पॉइंट बोलते हैं। आपको अपनी बोर्डिंग स्टेशन का नाम टिकट बुक करने के टाइम पर चेंज करना पड़ेगा। जहाँ से आप ट्रेन में चढ़ने वाले हो बोर्डिंग स्टेशन आप टिकट बुक करने के बाद भी PNR में आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो कि बोर्डिंग स्टेशन कैसे चेंज किया जाता है तो कमेंट करके बताइएगा। आने वाले दिनों में इस टॉपिक पर भी एक छोटा सा वीडियो
बना के मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूंगा। फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको किस टाइप का वेटिंग टिकट बुक करना है, जो बड़ी आसानी से कन्फर्म हो जाएगा। टिकट बुकिंग से जुड़ा हुआ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो पूरी डिटेल्स के साथ, जैसे कि कहाँ से कहाँ तक आप जा रहे हो, आपके टिकट का करंट स्टेटस क्या है, PNR YouTube पर शेयर मत करिएगा। अगर आप चाहें तो प्राइवेटली मुझे Instagram पर या कहीं और मुझे बता सकते हैं, लेकिन मुझे भी PNR की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बस ये बताना है करंट स्टेटस क्या है, कौन सी क्लास में आप यात्रा कर रहे हो, स्लीपर का टिकट है, AC का टिकट है या फिर जनरल का टिकट है, जो भी क्लास में आप यात्रा कर रहे हो। अगर आपका टिकट कन्फर्म होने वाला होगा तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।